आज हम बात करेंगे BVM की बहुत सी कमेंट्स भी आई है जब से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है ऑन टू गिविंग यू इन्फॉर्मेशन ऑन टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग BVM की बहुत रिक्वेस्ट है वन ऑफ द वेरी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी भी है इट्स फ्रॉम द ईयर ऑफ नाइनटीन फोर्टी सो आज के वीडियो में विल डिस्कस व्हाट ऑल सीट्स अवेलेबिलिटी आर देयर for different branches available at BVM for your bachelor course into engineering साथ ही हम बात करेंगे of the various facilities available over there as a student you are seeing this video with your parents and कुछ decision के, लेने के लिए बैठे हो तो I am pretty sure after watching this complete video आपके mind में clear रहेगी बात है कि हाँ मुझे इसमें admission मिल सकता है या नहीं and in case मिल सकता है मैं ये इसमें लेना चाहता हूँ या नहीं डियो इज जस्ट टू यू नो क्लैरिफाई ऑल योर डाउट रिगार्डिंग इवन द कट ऑफ जो कि मैं आज डिस्कस करूंगी जो कि लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे पूरा एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले होगा आप ही स्क्रीन पे जो कि आपको आइडिया देगा कि आपके पर्सेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है या नहीं ठीक है तो लेट्स बिगेन नाउ कमिंग टू द बेसिक ऑफ द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ द ब्रांचेस अवेलेबल एट बी देखो बी दैट इज बिश बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज शॉर्ट में उसको बी कहा जाता है जो कि लोकेटेड है इन टू आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ओके सो दिस इज लोकेटेड ओवर देयर साथ ही जैसे कि मैंने बताया बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है 1948 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड 18.19 एकर्स का इसका जो है वो कैंपस है काफी यूज बड़ा है द हाईएस्ट ऑफ द पैकेज ऑफर्ड वाज 18 लाख पर एनम एज पर द लास्ट ईयर डेटा एवरेज ऑफ दैक्स पर एन एम फीस पर ईयर इसकी रहती, okay, की इसकी फी नहीं रहती है ठीक है यूनिवर्सिटी कॉलेज एज ए होल कनेक्टिविटी की बात करें अगर कोई स्टूडेंट गुजरात से बाहर से पढ़ाई करने को आ रहा है या तो वो बाय एयर आएगा या तो बाई रेलवे सो so, अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो आपका एयरपोर्ट से डिस्टेंस लगेगा फोर्टी सिक्स किलोमीटर फ्रॉम द बड़ोदरा एयरपोर्ट द नियरेस्ट एयरपोर्ट एंड अगर आप रेलवे से आ रहे हो तो आनंद जंक्शन से ये, ये जो कॉलेज है वो 5.8 पॉइंट एट किलोमीटर्स की दूरी पे है तो दिस इज द कनेक्टिविटी साथ ही इसमें जो मोड्स ऑफ एडमिशन है वो दो तरीके से होंगे दैट इज गुड सेट प्लस बोर्ड्स की जो मार्क्स मिला के आपकी जो रैंक तैयार होती है जो होती है ए सी पी सी काउंसिलिंग के बेसिस पे तो उससे आपका इसमें एडमिशन हो सकता है या तो फिर ऑल इंडिया जी मेन जो स्कोर रहता है उसके हिसाब से आपकी ये जो होती है एडमिशन इसमें हो सकती है दोनों की ही सीट्स अवेलेबल है इन टू दिस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज ओके सो कमिंग टू द नेक्स्ट फैसिलिटीज क्या है लाइब्रेरी है हॉस्टल है लेबोरेटरीज है सेंट्रल कंप्यूटिंग एंड नेट स्टेशन है ऑडिटोरियम है कंप्यूटर सेंटर है जो भी एक अच्छा खासा कॉलेज में जो सारी चीज़ें ऐसा फैसिलिटीज चाहिए होती है वो सारी सब अवेलेबल है यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है कैफेटेरिया है सो दिस इज ऑल अवेलेबल अभी यहाँ पे जो है वो दो सब डिविजन है टू टेकिंग एडमिशन क्योंकि इसमें जी आई एड कॉलेज भी है और दैट फॉर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी है गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस दोनों है अगर आपका एडमिशन रिजल्ट uh, अच्छा है एडमिशन वो गवर्नमेंट सीट्स में हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी जो फी होगी वो कम रहेगी इन कंपेरिजन टू सेल्फ फाइनेंस ठीक है दिस इज द डिफरेंस अभी कट ऑफ की बात करें तो दोनों की ही लाइक like, गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस दोनों के ही कट ऑफ की हम बात करेंगे पहले हम होम स्टेट कोटा को डिस्कस कर रहे हैं मतलब कि अगर आपका एडमिशन विध के स्कोर और बोर्ड्स के स्कोर 50 50 परसेंटाइल मिला के अगर कैलकुलेट होते हुए एसी थ्रू एडमिशन हो रहा है तो आपके ये वाले कट ऑफ लगेंगे ठीक है इसमें जो फर्स्ट ब्रांच हम डिस्कस कर रहे हैं आज है वो है सिविल इंजीनियरिंग उसमें ओपन कैटेगरी द लास्ट ईयर कट ऑफ वॉस कटऑफ मतलब कि जो लास्ट रैंक पे जो सीट भरी थी वो कौन से रैंक पे फिल हुई थी ताकि आपको आइडिया लगे इस रैंक के अंदर मेरा रैंक होगा तो दर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मी गेटिंग सिविल इंजीनियरिंग इन टू बीबीएम राइट सो ओपन कैटेगरी ट्वेंटी एस सी बी सी डब्ल्यू एस वेकेंट थी पूरी की पूरी सीट नहीं भरी थी करके उसका डेटा आपके पास नहीं है मीन इट इज वेकेंट ओके नॉट कंप्लीटली फिल्ड टी एफ डब्ल्यू एस दैट इज ट्यूशन फी वेवियर स्कीम अगर आपकी फैमिली इनकम आठ लाख से कम है आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो पर इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको एसीपीसी का जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे आपको एक कॉलम आएगा जिसमें टिक करना होगा टीएफडब्ल्यूएस। डब्ल्यू एस अगर आपने वो टिक नहीं किया होगा देन वो चॉइस फिलिंग में आप नहीं डाल पाओगे तो मेक श्योर sure अगर आप इस कैटेगरी में आते हो यू टिक दैट ऑप्शन इन योर एसीपीसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो टी एफ डब्ल्यू एस में फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी फोर कमिंग टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी थर्टीन हंड्रेड फोर्टी फोर एस सी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी सिक्स एस टी वी हैव एस सी बी सी ट्वेंटी फोर हंड्रेड ई डब्ल्यू एस सो दिस इज द गवर्नमेंट कॉलेज के क्राइटेरिया होम स्टेट क्राइटेरिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी नाइन्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एससी वेकेंट थी एस टी

TFWS 6500 fine production engineering open category 21,900 SCST SCBC EWS vacant the TFWS 21,451 uh, electronics and communication engineering for self finance okay so now open category 25,973 rest all for vacant TFWS 8,900 information technology open category 2300 एस सी इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एस टी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एसी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ईडबी फोर हंड्रेड टी एफ डब्ल्यू एस है दिस वर द कट ऑफ्स कमिंग टू कट ऑफ्स फॉर द गवर्नमेंट ऑब्वियसली सेल्फ फाइनेंस के लिए रहेगा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रहेगा

उनके जो रैंक्स निकल के आते हैं उस रैंक्स का यहाँ पे ये है कट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग 315, इलेक्ट्रॉनिक्स 1300, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2800, सिविल इंजीनियरिंग 14600, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2600, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वेकट खाली थी वो सीट्स ओके सेल्फ फाइनेंस में तो लगेगा नहीं ओके okay? uh, उसका आपको डायरेक्टली यू नो Visit the campus, fill in the forms from the website, directly contact with the college for getting the seats onto self-finance. Okay, you can directly have the website visited for the same. Yet recruiters last year and the previous years, Joak, you know, have recruitment done for the final year students. Linde, LNT, you have Torrent Power, Reliance, and many more recognized companies coming for recruitment. अच्छा खासा रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पे फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स दे गेट कैंपस रिक्रूटेड फाइन सो दैट वाज इट अबाउट बीवीएम द मोस्ट डिमांडेड वीडियो टू हियर आई एम विद द विदऑफ मेक श्योर यू हैव ऑल द कट ऑफ सीन वेरी केयरफुली आप ये शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि ये देखना चाहते हैं कि हाँ मेरे कट ऑफ सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं कुछ हद तक डिसीजन को यू नो फाइन करना चाहते हो तो एब्सोल्युटली यू कैन हैव शेयरिंग ऑफ द वीडियोस आल्सो डन And I'll be coming up with more such informative video which will help you take decision for your admission 2024. Stay tuned to the channel. It's me Yami for many such more videos. Bye bye.